यो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग वापस से खेलने वाले हैं फ्री फायर, और हम आ चुके हैं फ्री फायर के मैप में। और आप देख रहे हैं मेरे पास ड्रैगन ए के, तो आप सोच रहे हैं कि मैंने डायमंड्स टॉप अप कराए होंगे इसलिए मेरे पास ड्रैगन ए के आ गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत ही जुगाड़ो आइडिया लगा के ये लिया है। एक्चुअली में ये जो क्या कहते हैं उसे, लकी प्लांट, हाँ लकी प्लांट जो है उसे कलेक्ट कर 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 उससे जो डायमंड्स मिलते हैं वो कलेक्ट कर करके मैंने 21 डायमंड बनाए। कलेक्ट हो गए मेरे 21 डायमंड, और 21 डायमंड कलेक्ट होने के बाद मतलब मैंने गिल्ड टोकन से ड्रैगन एक का एक रेट क्लेम किया भाई। 21 डायमंड कलेक्ट करने में जो हालत हुई है, मैं सोच रहा हूँ फिर से 21 डायमंड कलेक्ट करूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा। अभी मेरे आईडी में सिर्फ 2 डायमंड्स हैं। तो इसे कहते हैं जुगाड़ो बंदा, जुगाड़ करके कुछ भी करके मतलब ड्रैगन निकलने का ली। पर वो नहीं निकली, 24 घंटे के लिए निकली, कल चली जाएगी वापस से। कल नहीं मतलब आज निकल जाएगी शायद से। आज निकल जाएगी पक्का। तो हम आ चुके हैं एजेल, सबसे फेमस जगह, जिस जगह को अज्जू भाई ने मतलब पूरे यूट्यूब में फैला दिया है। हमारी टूटी फूटी छत पे गरीना वालों ने ना इस छत को बरूला रिमास्टर में रिपेयर कर दिया। सिर्फ इस छत को ही नहीं, पूरे घर को ही रिपेयर कर दिया। मतलब आप बरूला रिमास्टर में ये घर देखोगे तो लगेगा ही नहीं आपको कि ये टूटी फूटी छत है अपनी बरमुंडा वाली। आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मतलब इतना हद तक उन्होंने इसे रिनोवेट किया है। चलो शॉर्ट रेंज में फाइट करने के लिए अभी एक गन मिल चुकी है, एक बंदा भी मिल चुका है, उसका खेल भी ख़त्म हो चुका है। हमारे पास ड्रैगन ए के भी आ चुकी है जो कि बहुत ही बढ़िया है। शुरुआत में ही ऐसे आपके मनपसंद गन मिल जाए जिसकी स्किन एकदम लेजेंडरी हो तो फिर आपको मज़ा ही आ जाता है खेलने में। मैक 7 भी मुझे अच्छी लगती है, बहुत ही बेहतरीन गन है। एक हद तक देखा जाए तो अच्छी गन चलती है, रिलोड स्पीड अच्छी है, रेट ऑफ फायर भी इसके बहुत अच्छे हैं। और दूसरी तरफ ड्रैगन ए के, उसके तो क्या मतलब मज़े ही मज़े हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने ड्रैगन ए के निकाल परमानेंट निकाल दी, लेकिन उसके लिए उसने 2000 डायमंड खर्च किए। 2000 डायमंड, आप सोचो सिर्फ कि ये चीज़ इतनी बढ़िया है लेकिन इसको निकालने में कितना खर्चा जाता है। मैं बीच में सोच रहा था कि मैं भी निकाल लूँ, लेकिन बाद में जब 2000 डायमंड का सुना तो मैंने कहा नहीं भाई, नहीं निकालनी है। मतलब ये आप देख रहे हो कितने बंदे अलाइव हैं, मजाक चल रहा है कि यहाँ पे अभी तो हमने लूटपाट भी नहीं की, और देखो अलाइव कितने हैं, 8। मतलब क्या 50 के सारे बंदे पीक पे उतर गए आज। आठ बंदे अलग, मतलब ये देखो अभी तो 4 मिनट का वीडियो बनाया सिर्फ, और बंदे कितने हैं, 8। ये कौन है, ये एक मेरा छोटा भाई है, ये मुझे रिक्वेस्ट भेजता रहता है, और देवांश नहीं कोई और है। M14 है, लेकिन क्या ही काम की। वैसे आप लोग को वन टैप मारना आता है, जिसको आता है कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि शायद से मैं अगला वीडियो वन टैप वीडियो बनाऊं। अरे एक हेड इसको भी लगा था,
लेकिन कुछ खास नहीं। थोड़ा किए में छोड़ दो, शॉटगन में थोड़ा छोड़ दो, एआर ले लो, क्योंकि शॉटगन में की इतनी किल्लत नहीं है यार। वो अगर एक बंदा भाग भाग के भी मरे ना तो भी उसे मारने में 96 एमओ खर्च हो सकता है एआर का, लेकिन शॉटगन का तो क्या है, एक बार में बंदा ख़त्म हो जाता है। और बाय द वे गाइस, मैं टॉप 25% में आया था तो मुझे पैरेंट की स्किन मिली। मैं सिर्फ 1% के लिए रह गया, वरना तुम्हारे भाई को पोकर मिलती, 1% रेड पोकर मिल जाती अगर 1% मेरा ज़्यादा होता तो। सोच रहे हो 1%, ए और उसमें भी मुझे कितने पॉइंट्स बढ़ाने थे, 150 ही पॉइंट्स बढ़ाने थे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे बहुत आ रहा है कंटाला अभी तो मुझसे नहीं खेली जाएगी, उसके चक्कर में मैंने पोकर गवा दी। मतलब ये फ्री फायर वालों ने ना रीजनल एडल को 2 दिन पहले ही एंड कर दिया, और जब मैं सुबह को उठा तो देखा मैं तो 25% पे हूँ। 25% मतलब जब बंदा रात को सो रहा था तब उसको 11% दिखाया, और रात में कौन इतने लोग खेल गए कि डायरेक्ट 11 से 25% पे आ गया मैं। ऐसा हुआ, मेरे साथ तगड़ा वाला स्कैम हो गया, मेरा मतलब हाल खराब हो गया। वो देखो वहाँ पे एक बंदा है, अरे इसी की वजह से तो मेरे कई बार नॉक हो जाता हूँ या मर जाता हूँ। फायर बटन या कोई भी बटन मेरा कई बार ढंग से काम नहीं करता। आलोक यूज करके जल्दी पेड़ के कवर में चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ धावा बोल दूँ उस पर, लोअर हाथ में है, बोल दो धावा। ये कहाँ चला, मतलब क्या पागल है क्या, इतना प्रो लग रहा था निकला इतना नूम। ग्रोजा से मार रहा है मुझे इतनी शॉर्ट रेंज में, जबकि उस पर MP40 थी उसके उसके पास। मतलब देखो भाई, ऐसे सब लोग नूब की तरह बिहेव करते हैं ना, मतलब क्या ही बोले। आप क्या केले किसके लिए यूज करते हो, ये देखो अभी ड्रोन आने वाला है, पोजीशन एक्सपोज करेगा और क्या ही करेगा। चलो जीप लेते हैं, हाँ ये देखो, मतलब पैसे बहा दिए पैसे। ये देखो गाइस, मैंने ओटेरो और डीजालो का घी किया था, 1 साल हो गया उसको तो, लेकिन आप सोच रहे होगा कि अभी तक उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो एक्चुअली वो है कि उसमें किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब सबको लगता था कि मैं झूठ फेक घी अवे कर रहा हूँ। पार्टिसिपेट करो यार, अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ मैं, अगर 100 लाइक पूरे हो गए तो आप कमेंट में बताओ मैं उस कैरेक्टर का घी अवे रखता हूँ। डीजालोक तो अभी कोई यूज़ करता नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ, और मेरा भाई भी डीजालोक छोड़ चुका है। अब वो कहता है कि भाई डीजालोक को छोड़ दो, वो कौन का ज़माना आ गया है। मैंने कहा ठीक है, मैं उसने कहा वो कौन का गिव अवे करो, फिर मैंने सोचा कि उसकी राय क्यों ले जब आप लोग हो, आपसे पूछ लूँगा किसका गिव अवे करूँ और फिर कर देंगे, उसमें क्या है बेटे। इसी ने मुझे डैमेज किया था ना, मेरा ग्लोवल बिगाड़ दिया फाले ने। इसके पास है क्या ग्लोवल, देखना पड़ेगा। अच्छा है,
रेस्टोरेंट नीचे और नहीं है साले। एक ग्लोबल बर्बाद किया है, कम से कम 3 दे देता। नहीं और कितने, 4 बंदे अलाइव हैं। मतलब ये होता है हमारे साथ। मैं शांति से एयरशिप लूटता था, उसको क्या दिक्कत हो गई, पीछे से आ गया। इसके पास अच्छे ग्लू है, अच्छे भले ग्लू है। अभी मेरे पास 10 ग्लू होते वो नहीं, वैसे भी 9 ही होते है, क्योंकि एक मैंने उसका लिया है ग्लू तो 9 ही होते है। कोई बात नहीं, चलो ले। देखो जहाँ से आए थे वहीं पे आकर अटक गए। पोथी नॉक से फैक्ट्री आया, फैक्ट्री से गाड़ी ली, गाड़ी लेके उधर गया, तो आना किधर पर आया, वापस से पोथी नॉक पे। गाइस किसी ने कहा था ना कि दुनिया गोल है, वो सही है। देखो घूम फिर के वही आना पड़ता है। ओ वाओ, एआर छोड़ी इस बार, क्योंकि शॉटगन की भी किल्लत होती है थोड़ी। और 3 बंदों के लिए इतना एमओ तो काफ़ी है। आर्मर पेनिट्रेशन वाली एक एक स्किन है मेरे पास। वो कौन सी है, जस्टिस फाइटर। लेकिन ड्रैगन एक हो तो जस्टिस फाइटर को कौन दे देगा भला। गाइस आपने इससे पहले ये चीज़ ट्राई की है क्या, बाइक को ऊपर लेके गए हो क्या? नहीं की तो ट्राई करना, मैं कई बार लेके गया हूँ। ऐसा भी होता है कई बार, एक तो एलिमिनेट हो गया। देखो मुझे तो लग रहा है कि ये लोग है ना, वो क्या कहते हैं, लकी प्लांट को लूटने के लिए आते हैं, ना कि बरमूडा खेल को। लो गाड़ी फंस गई, लकी प्लांट को लूटने आते। अच्छा साइलेंसर है, लकी प्लांट लूट लो फिर बैक हो जाओ या एलिमिनेट हो जाओ। देखो मैंने टाइम दिखा था 4 मिनट पे 8 बंदे, और अभी टाइम है कितनी टाइम हो, अरे बाहर आ जा, छोड़ो मुझे क्या। एक 4x ले लेते हैं अपन के लिए, 21 टोकन है और ग्लोबल तो 12 है। आए हाय लो अब 22 हो गई। 4x दे दे, ये दे दे, ये देखो अभी 12 मिनट हो गई, कितने लाइव है, 3। मतलब 8 मिनटों में कितने बंदे मरे, कितने मरे, 5। 2-3 तो मैंने ही मारे थे, या ये 5-5 मैंने ही मारे शायद से, ऐसा ही लगता है। मतलब मेरे अलावा किल करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ क्या? अभी मुझे ये बताओ, इतने बड़े मैप में मैं 2 बंदों को कहाँ ढूंढने जाऊँ? ये पता है क्यों रहा है, क्योंकि बरमूडा में जब लकी प्लांट आ गया ना तो सब लूट के एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इतने कम बंदे रहते हैं कि इतना बड़ा मैप होता है। अभी 2 ही बंदे, उनको ढूंढते ढूंढते मेरी सांसें छूट जाएगी, लेकिन वो नहीं मिलेंगे, छूट क्या खत्म हो जाएगी, मतलब बचूंगा ही नहीं मैं। आ खलास, फिर जब थक हार के एक जगह लेटूंगा, आराम से बैठूंगा, तब अचानक से दोनों महाराज एक साथ प्रकट होंगे और उनके दोनों के बीच में सैंडविच बन के पिस जाऊंगा। धोखा तो पता नहीं, लेकिन एक मिल गया। बेटा तुझे तो मैं ही खत्म करूंगा, टेंशन मत लियो। Thank you.
अभी एक बंदे को कहाँ ढूंढूंगा मैं इतने बड़े मैप में। एक तो मिल गया, दूसरे का क्या, दूसरा तो पता ही नहीं है मुझे कहाँ पे मिलेगा, यहीं कहीं घूम रहा होगा, आवारा गर्दी का कर रहा होगा। अरे ग्लूअल रखो यार, अब तो पूरा फंसा बेटे। चलो एलिमिनेट ही हो गया अपन का, तो क्या भूया हो गया। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।